किस तरह से ये सजा है। जय श्री राम। मैं मनोज अयोध्या वाले आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों 22 जनवरी के लोग की किस तरह तैयारियाँ चल रही है वो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ और कहाँ कहाँ चल रही है। इस समय मैं हूँ राम जन्मभूमि मार्ग पे और किस तरह सजाया गया है मैं आप सभी को लेके चलता हूँ प्रवेश। सर्वप्रथम आप सभी को बाहर से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ले चलता हूँ राम जन्मभूमि मार्ग किस तरह फूलों से सजा है वो मैं आप सभी को आज दिखाऊंगा वीडियो में बने। तो दोस्तों राम जन्मभूमि मार्ग का जो गेट बना है ये देखिए, अभी लाइट वगैरह चालू हो गई है, कितना खूबसूरत और आकर्षित इसमें नक्काशी है और किस तरह फूलों से ये लगा है। अभी पूरा तो नहीं बन पाया है, ऐसा नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये सजा दिया गया है, ये आप देखिए। ये देखिए दोस्तों, दूर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये सज रहा है और लाइट अभी अभी जलाया गया है और ये मेन है। थोड़ा और नज़दीक से लेके चलते हैं। दोस्तों हमने पहले लेफ्ट का दिखाया था गेट, ये राइट का है, ये आप देखिए किस तरह लग रहा है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से लग रहा है, ये राइट साइड का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ऊपर का थोड़ा दिखा दूँ आपको, ये देखिए दोस्तों किस तरह से लग रहा है और हम आप सभी को लेके चलते हैं अंदर में। अब वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं और हम चले गए हैं राम जन्मभूमि की तरफ। राम जन्मभूमि की तरफ से हम आएंगे आप सभी को दिखाते हुए और किस तरह से फूलों से सजा दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा को लेके कितना हर्षोल्लास है और इस समय भक्तिमय हो गया है पूरा अयोध्या। राम जी की धरातल कितना सज रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेके, ये आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ सजाया गया है। और अभी इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ अलाउ नहीं, ओनली पास और वहाँ काम जो कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग वही प्रवेश कर सकते हैं। और ये देखिए आप सब कितना खूबसूरत फूल वगैरह लगा दिए गए हैं, ये देखिए लाइट भी अभी पूरी तरह से नहीं लगा है और भी लगेगा बहुत खूबसूरत, अभी और भी सजाया जाएगा। अगर हमें समय मिला या हमें जाने का अनुमति मिली तो हम आप सभी को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। ये आप गेट्स देख सकते हैं, मुख्य द्वार दिखाने के बाद हम लेके चलते हैं जहाँ फूलों से सजा है राम जन्मभूमि मार्ग उस पे। ये आप देखिए किस तरह से सजा है, वो मेन गेट पे ये नहीं है, ये दूसरा गेट है और क्या क्या चीज़ों से सजाया गया है ये आप देख पाते होंगे। ये देखिए ये सारा चीज़ रियल फूलों का है, रियल फूल है, ये कोई बनावटी फूल नहीं है। दोस्तों सारा जो सजाया गया है रियल फूल का है, ये आपको सिर्फ ये दूसरा वाला जो गेट है वो है, मेन गेट जो राम जन्मभूमि का है वो नहीं है। ये आप देखिए किस तरह से, पहले आपको नज़दीक से दिखाते हैं और फिर दिखाएंगे। ये एक साइड का हमने दिखा दिया है, ये बीच का है, ये आप देखिए। ये देख पाते होंगे किस तरह से ये सजा है। अभी आपको थोड़ा दूर से भी दिखाएंगे तो कैसा लगता है, गेट के दोनों साइड ऐसे ही लगा है, सेम वही है जैसा उस साइड हमने दिखाया था वैसे इधर भी है। ये आप देखिए चार गजानन हाथी बनाया गया है और मोर बनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी, ये आप देखिए किस तरह से। भाई
फूलों का ही बना है क्या ये कमेंट में बताना, मुझे तो मोर जैसा लग रहा है। ये देखिए भाई किस तरह से लग रहा है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।